प्रधानमंत्री महोदय जी का हिमाचल प्रदेश में 16 तारीख को आने पर भव्य स्वागत है और हिमाचल प्रदेश का एक एक नगरवासी जो है वो प्रधानमंत्री जी की स्वागत के लिए तैयार है। इस मर्तबा प्रधानमंत्री महोदय जी से हिमाचल प्रदेश के 1 लाख परिवार जो विस्थापित होने जा रहे हैं 4 लेन सड़क निर्माण के लिए, उनको बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि जो मुआवजा राशि दी जा रही है वो नाम मात्र की है। प्रधानमंत्री महोदय जी ने हमेशा मन की बात में जो बोला है उसमें फैक्टर 4 का जिक्र किया गया है और फैक्टर 4 के अनुसार देखा जाए तो फिर भी पुनर्स्थापन और पुनर्वासन के लिए हिमाचल प्रदेश के जो पीड़ित परिवार हैं उनके लिए कुछ राहत होगी। मैं 4 लेन के जो जितने भी प्रभावित परिवार हैं उनकी ओर से प्रधानमंत्री महोदय जी से आग्रह करूंगा कि कल आप धर्मशाला प्रवास पर अपने संबोधन में ये 1 लाख जो पीड़ित परिवार है इनको राहत देने के लिए फैक्टर 4 की घोषणा करके जाएं, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है हिमाचल प्रदेश में उन्होंने आपकी मन की बात का जो जिक्र था फैक्टर 4 का उसका जो है वो नहीं दिया। उसके लिए मैं आपसे फिर आग्रह करता हूं कि महोदय कल 4 लेन प्रभावितों के बारे में अवश्य घोषणा करें ताकि ये पुनर्स्थापित हो सके। रही बात जो जिला कांगड़ा की, जिला कांगड़ा सबसे ज्यादा अफेक्टिव होने जा रहा है। जिला कांगड़ा में ये प्रथम चरण का जो भुगतान किया गया है मुआवजा राशि का, उसमें 3-3 मूल्यांकन के अनुसार जो है वो लोगों को मुआवजा राशि दी गई है। ये इतिहास में पहली बार हुआ और हिंदुस्तान में भी पहली बार हुआ है, क्योंकि इसमें पहला वार्ड, दूसरा वार्ड और तीसरा वार्ड एक ही मुहाल के, एक ही खसरे को, एक ही परिवार को और एक ही उद्देश्य के लिए जो जमीन ली गई है उसके 3-3 मूल्यांकन किए गए हैं। ये पिक एंड चूज पॉलिसी जो अपनाई गई है, महोदय आपसे आग्रह है कि इसका गहन समीक्षा के लिए और पुनः अध्ययन करके इसकी उच्च स्तरीय जांच की आदेश दिए जाएं ताकि ये जितने भी पीड़ित परिवार हैं उनको राहत मिल सके। धन्यवाद। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।